जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, स्मॉल तो नहीं लिखते ना, सुमेश राज, पुष्पा कुमारी, प्राची वर्मा एंड कुमार कांत, हम बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हमेशा की तरह एक सेंटेंस की इंग्लिश मैं बनाऊंगी और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाएंगे। कल का सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी वो सेंटेंस था, क्या आप कभी आगरा गए हो, उसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर बीन टू आगरा, और पीछे लगना है क्वेश्चन मार्क। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये एक क्वेश्चन हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हो। हिंदी में लिखोगे तब भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इंग्लिश में लिखोगे तब भी क्वेश्चन मार्क लगाओगे, और जब बोलोगे इस क्वेश्चन को तो किसी से पूछोगे जैसे हैव यू एवर बीन टू आगरा, तो आपके फेस पे एक एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे हिंदी में पूछते हो आप कभी आगरा गए हो, उसी तरह से हैव यू एवर बीन टू आगरा और क्वेश्चन मार्क लगाओगे जब आप लिखोगे। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है वो ये कि आगरा का ए जो है वो कैपिटल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। जब भी हम किसी सिटी का नाम लिखते हैं या फिर जैसे किसी शहर का नाम लिखते हैं, किसी कंट्री का नाम लिखते हैं, तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है। जैसे कि किसी इंसान का नाम लिखना है तो तब भी हम कैपिटल लेटर लिखते हैं ना फर्स्ट। जैसे आप अपना नाम लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, स्मॉल तो नहीं लिखते ना। उसी तरह से ही जब किसी सिटी का नाम लिखना है, किसी शहर का नाम लिखना है या फिर किसी कंट्री का नाम लिखना है, मतलब देश का नाम लिखना है, तब भी हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। फर्स्ट लेटर मतलब पहला वाला, आप उसको अक्षर बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो, फर्स्ट लेटर। जैसे आगरा लिखना है तो ए कैपिटल आएगा, जयपुर लिखेंगे तो जे कैपिटल आएगा, चंडीगढ़ लिखेंगे तो सी कैपिटल आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू आगरा, जिन लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखा है उनके नाम है सुमेश राज, पुष्पा कुमारी, प्राची वर्मा एंड कुमार कांत। वेरी गुड फोर ऑफ यू, आपने करेज करी, मतलब हिम्मत करी कि कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो आंसर। उससे क्या होगा, जो भी आपकी गलती होगी तो क्या होगा, अगली बारी आप ध्यान रखोगे कि ये हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सोच के रखा हुआ है कि ये होगा इसका आंसर, कल देख लेंगे जो बताएंगे वो, जब बताएंगे वीडियो में तो तब देख लेंगे, उस तरह से ना वो बात बनती नहीं है। इसलिए मैं बोलती रहती हूँ नोटबुक लगाओ, नोटबुक में लिखो, हर रोज सारे सेंटेंसेस को रीड करो 5 से लेकर 15 मिनट तक, तो आप जो है बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे, मतलब इंग्लिश बोलनी शुरू कर देंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। ओके, आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं। आज के सेंटेंसेस है मैं पूरी कोशिश करूंगा या फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि अगर आपको कोई बोलता है कि काम करना है आपने अच्छे से, तो आप बोलते मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, अपनी तरफ से भी इसमें आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब जो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ उसकी हिंदी वो भी होगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बार ये वाला सेंटेंस जो है हमें बोलना पड़ता है, तो आगे से जब भी ऐसा सेंटेंस आपको बोलना हो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो उसकी इंग्लिश होगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कर दोगे तब भी कोई बात नहीं, अगर लेवल नहीं भी लिखोगे ना तब भी ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और उसको आप बोलेंगे कैसे, आई विल की शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, आप सबको आइडिया है आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है आई, यही होती है ना आई। सो आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, तो उसी तरह से बोला आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। लेवल नहीं भी बोलना तब भी ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। और जिस सेंटेंस की इंग्लिश आपने बनानी है वो सेंटेंस है वह पूरी कोशिश करेगा, वह पूरी कोशिश करेगा, तो इसमें क्या है, बॉय के लिए लिखना आपने। गर्ल के लिए जब मैं आपको ये वाले सेंटेंस की इंग्लिश बताऊंगी कल, तो तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ही दे रही हूँ सेंटेंस लिखने के लिए, वह पूरी कोशिश करेगा, तो इसमें क्या आएगा, ही आएगा। जैसे आई के लिए मैंने क्या लिखा है, माय, और ही के लिए क्या आएगा, आपको पता है मैंने ऑलरेडी पहले वाले सेंटेंसेस करवाए हुए हैं जिसमें है, नहीं आइडिया आ रहा, नहीं याद आ रहा, नोटबुक खोलिए, पलटिए पेजेस और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सेंटेंस बना दीजिए ये वाला, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और आई होप आप अच्छे से कर रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरी बता दो कि आप जो है इंग्लिश सीख रहे हो। ये सारे सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हम बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, है ना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से ही हम दो दो सेंटेंसेस रोज सीख रहे हैं,
और क्या कर रहे हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को कर रहे हैं इम्प्रूव। कर रहे हो ना आप, पक्का इम्प्रूव कर रहे हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। रोज आपको नोटबुक में जो सारे सेंटेंसेस लिख लिए हैं, 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ हुआ है ये जो मैंने ये वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है कि एक सेंटेंस मैं बनाऊंगी और एक सेंटेंस आप। वैसे तो बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर जो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है, बहुत वीडियोज है, वो भी आप देख लीजिए। ये वाले तो खैर देखते ही रहिए आप रोज, और जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप, कोई भी खिलाड़ी अगर जीतता है ना किसी फाइनल रेस में या किसी भी उसमें, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो उसी दिन खेलता है? कितनी प्रैक्टिस करता है वो, कितनी प्रैक्टिस करता है, एक एक साल दो दो साल प्रैक्टिस करता है और फिर उसके बाद वो खेलने के लिए जाता है और फिर जीतता है वो। क्यों? क्योंकि उसने जीत के लिए पहले से प्रिपरेशन कर ली है, उसको कोई डर ही नहीं है। इसी तरह से ही आप भी स्पोकन इंग्लिश अगर चाहते हो कि आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में बात करो, बहुत इच्छा है आपकी, और मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं चलता शुरुआत कहां से करें। शुरुआत हो गई है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, बहुत सारा आ जाएगा, बहुत सारा। तो चलो करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड, और जल्दी ही मिलूंगी, मतलब कल ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।